में पीरियोडिक फंक्शंस डिफाइन किया था, अभी आयुषी ने बोला कि वो थोड़ी सी कंपोजिट फंक्शन, हमने जो पीस वाइज डिफाइन कंपोजिट फंक्शन किए हैं उसमें लास्ट लास्ट में दिक्कत आ रही है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, है ना, प्रैक्टिस लगेगी कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगेगी। और पीस वाइज डिफाइन फंक्शन का कंपोजिशन अगर आप देखें बेटा तो हमारे बहुत कम क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है मयंक, है ना, तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे मैंने एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 6, है ना, पीस वाइज डिफाइन फंक्शन में हमें मॉड्यूल में केवल एक ही क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन 6, वो करके बताना। देखिए, fx equals 1 plus x square, x is less than or equal to 1, x plus 1, x is more than 1 and less than or equal to 2. gx is given as 1 minus x minus 2 less than. क्या बनाना बेटा? fog x वाला. Fog x मतलब f of g x, इसको x रीड कर लें तो fx की डेफिनेशन दो, 1 plus x square fx, 1 plus x square x less than or equal to 1, और सेकेंड है x plus 1, x more than 1 and less than or equal. हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अब हमें यहां पर x लाना है, तो इसलिए हमें इनर फंक्शन का gx जो है उसका ग्राफ प्लॉट, gx लिखें, कहां से कहां तक लेना है? माइनस टू से वन तक, है ना, gx हमें माइनस टू से वन में डिफाइन, माइनस वन माइनस टू जीरो, gx equal to 1 minus x. तो x की जगह जब हमने माइनस टू रखा, x के प्लेस पर माइनस टू, तो 1 प्लस 2 3 आ गया, 1 2 3, राइट, और x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 0, ये लाइन है, x की वैल्यू माइनस टू पे 3, ये लाइन, ये gx का, ठीक है। अब gx जब लेस देन और इक्वल टू 1 हो, जब gx लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो डेफिनेशन ये, y इक्वल टू क्या है? gx, हमने ग्राफ किसका बनाया? gx, y इक्वल टू gx। हाँ, तो जब gx की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1, 1 से लेस, तो कौन सा पॉइंट? ये वाली लाइन सेलेक्ट, और क्या है इस लाइन की इक्वेशन? 1 माइनस, ठीक है, जब gx लेस देन और इक्वल टू, जब gx की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो x कहां से कहां तक डिफाइन? जब gx की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो x कितना डिफाइन? ठीक है बेटा, यहां पर देखें f of 1 plus gx whole square, और gx की वैल्यू क्या है? 1 minus x, ठीक है, और gx ये डेफिनेशन का क्या है? ठीक है, और फिर x equal to 1 पर ये पॉइंट कितना है? x equal to 1, x equal to 1 पर क्या आ रहा है? 0। आप देखेंगे यहां पर fog x f of gx लिखना है, तो 1 plus gx whole square, जब gx less than or equal to 1 है तो डेफिनेशन क्या है? 1 minus x, gx की डेफिनेशन है 1 minus x, तो रखें 1 plus x square, इतना समझ में आया? gx equals to 1 minus x,
वन माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? सर ये माइनस टू से पॉइंट लिया तो थ्री आया ना, तो अपन ने तो जीरो पर तो क्या, जोर से बोलो सर, x की वैल्यू माइनस टू रखी तब जाके g ऑफ x जो है अपना थ्री आया है। x की वैल्यू क्या रखी है? माइनस टू। माइनस टू, यस, x की वैल्यू माइनस टू। ठीक ठीक तो ठीक, x की वैल्यू माइनस टू तब थ्री आया है, राइट? जी सर, हाँ। और जब हमने x की वैल्यू वन रखी तो क्या आया है? जीरो। ठीक है, ऐसा है, ठीक है, यस सर। ठीक है, x की वैल्यू माइनस टू रखी तो आया है थ्री, यस, ठीक है, मैंने यहां बना दी, रॉन्ग था वो। और x की वैल्यू जब हमने वन रखी तो क्या आया है? राइट, अब देखेंगे ध्यान से, फॉग एक्स एफ ऑफ जी एक्स ये लिखा हो, वन प्लस जी एक्स, जब जी एक्स लेस देन और इक्वल टू वन, जी एक्स वन से लेस है तब देखो आप, तो डेफिनेशन क्या है, वन माइनस वन, और वो इंटरवल क्या है, वन से लेस, जीरो से वन, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो, क्लियर। अब आगे देखें नेक्स्ट डेफिनेशन, जब जी एक्स की वैल्यू वन से टू है, जी एक्स की वैल्यू जब वन से टू है, वन से टू में जब जी एक्स की वैल्यू वन से टू है तो भी लाइन यही लगेगी, वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, समझ में आया, जब जी एक्स की वैल्यू वन से टू है तो भी क्या आएगी, एफ एक्स की वैल्यू वन माइनस एक्स, तो वन माइनस एक्स प्लस, हाँ तो यहाँ एक्स कितना आ जाएगा बताओ, एक्स किस इंटर में, नेगेटिव है, माइनस वन से जीरो, क्लियर हो गया, यस सर, थैंक यू, बस सॉल्व कर लो इसको, टास्क ऑफ फॉग बन, ठीक है आयुष जी, यस सर, थैंक यू सर, ओके, बस इसको सॉल्व करना और इसके ओपन करना है ना, वो ग्राफ थोड़ा ध्यान से बनाना, माइनस टू पे थ्री, मैंने जीरो पे थ्री लिए, ओके, हाँ यस, क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था, हाँ अब तो हो गया, कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू, ऑप्शन वन, ऑप्शन वन मैच हो, और जीरो यहाँ इक्वालिटी अगर दोनों जगह लगी है तब भी चलेगा, क्यों चलेगा, x इक्वल टू जीरो पर टू आ रहा है और x इक्वल टू जीरो पर यहाँ भी टू आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो फाइनली लिख दो यार, x जीरो से वन और x माइनस वन से जीरो, और ये हो गया आपका टू माइनस एक्स, और ये हो गया आपका 2 प्लस 2 माइनस 2x प्लस x, कंप्लीट, कंप्लीट हो गया सभी का, तो आगे थ्योरी पर आएं, ओके, हाँ तो कल हमने पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन देख ली थी, है ना,
है ना, पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन देखी थी कि हमने एल्जेब्रिक डेफिनेशन और ग्राफिकल डेफिनेशन दोनों की बात की थी. अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर रियल नंबर टी सच दैट एफ टी प्लस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ. द लीस्ट वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स. ग्राफिकली देखा था जिस फिक्स इंटरवल के बाद फंक्शन रिपीट होता है दैट इंटरवल इज कॉल्ड पीरियड ऑफ द फंक्शन, है ना. तो हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे हैं, हमें कुछ पॉइंट्स देखना चाहिए जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है. ग्राफ हमने देखे हुए हैं साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स एंड कॉस एक्स आर पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2 पाई. उसके बाद tan x cot x आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड. ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन is periodic with period 1. हर ग्राफ से देख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का हमने ग्राफ बनाया हुआ है. एक्स एक्सिस है ना, रिपीट हो रहा है कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, 1 इंटरवल के बाद, राइट. सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड. कॉन्स्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स सॉरी एफ एक्स इक्वल टू के इज and where k belongs to any real number is periodic function which has no fundamental value. And hum fundamental period define nahi kar sakte, kyun nahi kar sakte, dekhen dhyan se constant function ka graph क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स. अब ये हर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तो हम स्मॉलेस्ट इंटरवल नहीं निकाल सकते जिसके बाद वो रिपीट. पॉइंट वन लेंगे तो आपको लगे उससे छोटा भी पॉसिबल है पॉइंट जीरो वन. पॉइंट जीरो वन लोगे तो पॉइंट जीरो टू के बाद भी रिपीट हो जाएगा, पॉइंट जीरो जीरो वन के बाद भी रिपीट हो जाएगा. सो वी कैन से दैट कॉन्स्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो है पर हम उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं. ये तीनों पॉइंट समझ में आए क्या? ऑल थ्री पॉइंट सभी को समझ में आ गए क्या? यस सर. नोट करें.
कंप्लीट हो गया क्या? यस सर। हाँ तो फोर्थ पॉइंट बताऊं? If fx is a periodic function, with period t, then fx plus nt equal to fx for all x belongs to domain of f और n belongs to integer. ये बात क्लियर है क्या? अगर fx periodic function है, जिसका period t है, तो हर t interval के बाद repeat हो, n की जगह 1 लिया तो 1t fx plus 1 into t, fx plus 2 into t, fx plus 3 into t, हर t के integral multiple के बाद repeat हो. अगर हम यहाँ x की जगह 0 ले और t n के place पर 1 ले, क्या मिलेगा? x के और n के प्लेस पर जीरो भी ले सकते, तो x और n दोनों को जीरो ले लिया तो f जीरो, x को जीरो और n को माइनस वन ले लिया f माइनस n को प्लस वन, f जीरो f माइनस टी f टी तीनों इक्वल. If f, लेकिन कब होता है? If fx is a periodic function with period t, then fx plus nt equal to fx. And for example, sin x से देख सकते हो, f zero निकालोगे, कितना आएगा? Zero. Sin x का period क्या होता है? 2π. f 2π निकालोगे पीरियड ft, तो कितना हो जाएगा? साइन 2π जीरो. f माइनस 2π निकालोगे तो साइन माइनस 2π, साइन 360 डिग्री, माइनस बाहर आ जाएगा फिर साइन 360. क्लियर है क्या ये फोर्थ प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी सर. ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, इफ एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी, देन फंक्शंस एफ एक्स प्लस माइनस ए, fx plus minus a, इधर a times of fx, 1 by fx or root fx are also periodic with period t. फिफ्थ प्रॉपर्टी ध्यान दें, बोला है कि अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो एफ एक्स प्लस माइनस ए प्लस माइन, अंदर एक्स के साथ प्लस माइनस ए करो या एफ एक्स के साथ प्लस माइनस ए का मल्टीप्लाई करो, रेसिप्रोकल करो या स्क्वायर रूट, सारे फंक्शन पीरियोडिक होंगे, उनका पीरियड टी ही हो. समझ में आया क्या? है ना, जैसे एग्जांपल साइन एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड टी, तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स, 1 बाय साइन एक्स का रेसिप्रोकल 1 बाय कोसेक एक्स का पीरियड भी 2 पाई होता है, अंडर रूट साइन एक्स का पीरियड निकालोगे वो भी
अंडर रूट साइन एक्स का पीरियड निकालोगे, वो भी क्या होता है 2π। डन सर। ठीक है ना, तो रेसिप्रोकल कर देने से पीरियड चेंज नहीं होगा, स्क्वायर रूट लेने से भी पीरियड चेंज नहीं होगा। और किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी पीरियड चेंज नहीं होगा। फंक्शन में बाहर अगर मल्टीप्लाई होगा तब भी पीरियड में कोई चेंज नहीं है। If fx is a periodic function, with period t, then fax, ax में अंदर variable में multiply किया, fax is also periodic. With period t upon mod a, क्योंकि period negative नहीं लिख सकते हैं, t upon mod a, f a x is also periodic with period t upon mod a. For example, sin 2x का period. ठीक है, तो साइन फंक्शन का पीरियड होता है 2π और उसको किससे डिवाइड करोगे, x के मल्टीपल। पीरियड क्या हो गया, बात समझ में आ गई क्या सर? ठीक है, कोसेक 5x प्लस 3 का पीरियड क्या होगा? कॉसेक एक्स का पीरियड होता है बेटा 2π, और ये 3 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, पर इस 5 के मल्टी पीरियड कितना हो जाएगा 2π/5। राइट, समझ में आया सभी को? मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड है कितना आएगा, है ना? तो मॉड ऑफ साइन एक्स को लिखो आप अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को लिखो 1 cos 2x/2। देखेंगे ध्यान से, ये 1/2 कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस आगे वाले इस वन, फर्क किससे पड़ना है, केवल इस टू। तो इस फंक्शन का पीरियड, cos फंक्शन का पीरियड कितना था 2π, और ये 2 का मल्टीपल। मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ टेन एक्स, मॉड ऑफ कॉट एक्स, मॉड ऑफ सेक एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मॉडुलस के पीरियड कितने होते हैं? इक्वल्स टू sin to the power nx, cos to the power nx, है ना? इसी में 6 प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं 1 2 करके, पीरियड ऑफ sin 2x cos to the power sin to the power nx cos to the power nx sec to the power nx cos sec to the power equals to 2π if n is odd, अगर n odd है तो पीरियड होंगे 2π, और अगर n even है, जैसे sin square x का ही पीरियड हमने पाई निकाला, sin square x का पीरियड पाई था, इसीलिए अंडर रूट ऑफ sin square x का पीरियड भी पाई, if n is even,
पीरियड क्या हो जाएगा, पाई। समझ में आया? पीरियड ऑफ 10 टू द पावर एन एक्स कॉट टू द पावर एन एक्स इक्वल्स टू पाई वॉट एवर एन इज आइदर इवन और n even हो या odd हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 to the power nx और cot to the power nx का पीरियड पाई हो, whatever n is even or complete. एक मिनट सर, if fx is a one one function and gx is periodic with period, and if fx is a one one function and gx is periodic with period t, then fog x मतलब जो इनर फंक्शन है f of gx वो पीरियोडिक होना चाहिए और आउटर फंक्शन वन वन होना चाहिए. Then if fx is one one and gx is periodic with period t, then fog x is periodic with period t. And for example, e to the power sin x, ये किसके कंपोजिशन से बना है? sin x और e x के कंपोजिशन से बना. इनर फंक्शन क्या है? sin x, वो पीरियोडिक है तो ये भी पीरियोडिक होगा विद पीरियड टू. ठीक है, और चेक भी कर सकते हो आप, f x plus 2 pi e to the power sin x plus 2 pi sin 360 degree plus theta sin theta fx, and fx plus 2 pi equal to fx I guess, so it is periodic with period 2 pi. ये प्रॉपर्टी समझ में आई क्या सभी को? Algebraic functions root x, x square, x cube plus 4, sine root x, sine x square are non-periodic. Non-periodic के लिए और word है aperiodic. नॉन पीरियोडिक या अपीरियोडिक एक साथ, उसी को हम क्या बोल देते हैं? नॉन पीरियोडिक. व्हिच फंक्शंस, फंक्शंस व्हिच आर नॉट पीरियोडिक उनको क्या बोलते हैं? नॉन पीरियोडिक और अपीरियोडिक फंक्शंस. एपीरियोडिक
हो गया। एक और पॉइंट लिखते हैं हम, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर periodic functions with period t1 and t2. If fx and gx are periodic functions with period t1 and t2, then hx equal to a f x plus minus b g x, ये हो है ना, मल्टीप्लीकेशन हो f x into g x, f x upon g x हो, और fog x हो या goff x है ना। देखो इसके पहले जो प्रॉपर्टी लिखी हमने 7th नंबर, उसमें आउटर फंक्शन 1 1 होना चाहिए, इनर पीरियोडिक होना चाहिए, और यहां पर ये दोनों पीरियोडिक, इसलिए ये डिफरेंस आर पीरियोडिक एंड पीरियड ऑफ एच एक्स है ना, प्लीज पीरियड ऑफ एच एक्स इज LCM of E1 and T2. जो T1 और T2 है उनका हमें LCM लेना पड़ेगा, LCM of T1 and T2. अब LCM of T1 and T2, अगर T1 और T2 दोनों रेशनल होंगे तो LCM डिफाइन होगा, और अगर T1 और T2 इरेशनल भी हुए सेम टाइप तो भी LCM डिफाइन हो जाए, लेकिन अगर T1 और T2 इरेशनल ऑफ डिफरेंट टाइप तो फिर उस केस में एलसीएम डिफाइन नहीं होता। जैसे T1 है आपका 2π/5 और T2 है √5। अब ये डिफरेंट टाइप के इरेशनल से, एक पाई है और एक √5, तो इनका एलसीएम डिफाइन। ठीक है, और अगर T1 है 2π/5 और T2 है π/3, अब इनका LCM डिफाइन हो जाए, क्योंकि ये पाई है और ये भी इरेशनल किसके कारण है, पाई के कारण, दोनों सेम टाइप की है। समझ में आया क्या? तो LCM ऑफ T1 एंड T2 में आपको देखना पड़ेगा, T1 और T2 रेशनल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर ये इरेशनल रेशनल हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इरेशनल पाई इरेशनल नंबर है तो, और सेम टाइप के इरेशनल है तो एलसीएम डिफाइन हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट टाइप के इरेशनल होंगे तो एलसीएम डिफाइन नहीं, राइट। और इस प्रॉपर्टी से एलसीएम ऑफ टी1 एंड टी2 अगर हमने अप्लाई करके कोई भी फिक्सिव फंक्शन का पीरियड निकाला है तो उससे फाइनली चेक भी करना पड़ेगा, fx plus t equal to fx आना चाहिए, वो तो आएगी, फिर t के हाफ पे भी चेक करना, t/2 equal to fx, अगर ऐसा मिल जाता है fx plus t/2 equal to fx तो पीरियड t ना होके t/2 होगा, क्योंकि t से स्मॉलर नंबर मिल गया जिस पर fx plus t equal to fx आ रहा, तो पीरियड विल बी t/2, और अगर ये इक्वल नहीं हुआ देन पीरियड विल बी t, है ना। तो अपन चेक एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, इक्वल नॉट देन पीरियड, यहां तक समझ में आया क्या? देन पीरियड इक्वल टू, और अगर एफ एक्स प्लस टी/2 इक्वल टू एफ एक्स आ गया तो फिर हम टी/4 पे चेक करें,
t by 4 equal not fx होगा, fx plus t by 4 equal not fx, then period will be t by 2. समझ में आया क्या? हाफ पर चेक करते हैं, ये प्रॉपर्टी समझ में आई है? नोट करेंगे हम, एग्जांपल करेंगे उससे और क्लियर होगा. नोट किया गया? है ना, इस केस में एलसीएम डिफाइन नहीं होगा, इसमें एलसीएम डिफाइन. ओके, कंप्लीट, सभी का कंप्लीट हो गया? लास्ट लाइन नहीं है बस. अच्छा लिख लो. Find the period of 2 sin pi x plus 2 upon 3 plus 6. बता सकते हैं पीरियड बताना है. तो देखो इस 2 से के मल्टीप्लीकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन फंक्शन पीरियड है. ठीक है, इसको हम प्रॉपर थोड़ा सा चेंज करें, कैसे? x का मल्टीपल निकालें, pi by 3 x plus 2 by 3. राइट, इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस 2 बाई 3 से इस 6, फर्क केवल किससे पड़ता है? x में किसका मल्टीपल है? पाई बाई 3 का. तो पीरियड क्या लिखूं? साइन फंक्शन का पीरियड होता कितना है? 2 पाई, उसमें x के मल्टीपल से डिवाइड. समझ में आया क्या कैसे किया? Yes, sir. Sin cube x. वैसे तो डायरेक्ट ही पता है sin cube x का पीरियड 2 pi. 2 pi है ना, बताया था ऑड पावर हो तो 2 pi. ठीक है, अब अगर हम किसी और वे से निकाले तो साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं. साइन 3x की आइडेंटिटी, साइन 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता, तो साइन क्यूब एक्स निकालोगे तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4. राइट, ये समझ में आया? हाँ, इसका पीरियड कितना है?
टू पाई, इसका पीरियड टू पाई बाई थ्री, राइट। तो टी वन और ये साइन में आया, फर्स्ट टी वन टू पाई हो गया टी टू, है ना, और ये टू पीरियोडिक फंक्शंस का सम, टू पीरियोडिक फंक्शंस का सम और डिफरेंस है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, एलसीएम ऑफ टी वन एंड टू टू निकालना, दोनों इररेशनल है लेकिन सेम टाइम। अब लेकिन फ्रैक्शन में है, आपको आता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, सभी लोग नोट करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बाय बी सी बाय डी ई बाय एफ, फ्रैक्शंस का एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। हाँ, तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम, या न्यूमरेटर्स क्या है ए सी ई और डिनोमिनेटर्स क्या है बी डी एफ, ठीक है। तो टी वन और टी टू का एलसीएम बताओ, न्यूमरेटर क्या क्या है, टू पाई और टू पाई का एलसीएम टू पाई, वन और थ्री का एचसीएफ, वन और थ्री का एचसीएफ वन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये आ गया बेटा एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू टू पाई, यही होगा पीरियड। लेकिन जब भी हम एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू से अगर पीरियड निकाला है तो चेक कर, क्या चेक करना है, एफ एक्स प्लस टू पाई चेक किया, तो साइन क्यूब एक्स प्लस टू पाई, साइन थ्री सिक्सटी प्लस थीटा, साइन थीटा उसका वो तो आएगा ही आएगा। अब उसके हाफ पे चेक कर, टू पाई का हाफ पाई, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा और उसका क्यूब भी माइनस, मतलब इक्वल नॉट एफ एक्स, एफ एक्स प्लस पाई इक्वल नॉट एफ एक्स, देयर फॉर पीरियड विल बी टू पाई। समझ में आया क्या कंसेप्ट, कंसेप्ट समझ में आ गया, नोट करें। डन सर, हाँ डन सर, हाँ समझ में आ गया सभी को, पैसे तो डायरेक्ट बता सकते थे पर मैंने वो एलसीएम वाली प्रॉपर्टी यूटिलाइज करना बताई है यहाँ पर। हो गया, यस सर, यस सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू साइन टू द पावर फोर एक्स प्लस कॉस टू द पावर फोर, साइन टू दी पावर फोर एक्स प्लस कॉस टू दी पावर फोर एक्स, देखो ध्यान से, एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि इसको कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, सबको आता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, किसी को कोई डाउट कैसे लिखाएं,
है ना, याद हो जाना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई, क्या अप्लाई की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको वन, ये मैंने डायरेक्ट लिखा राइट। अब इसमें हम टू से डिवाइड करें, टू का मल्टीप्लाई क्या हो गया, फोर, टू साइन एक्स कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया वन माइनस साइन टू एक्स, ठीक है। अब देखो वैसे तो यहां पर भी बता सकते हैं, इस वन से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये डिवाइडेड बाय टू से इस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना हो, पाई, पावर इवन हो तो पीरियड कितना होता है, साइन स्क्वायर, लेकिन उसमें मल्टीपल किसका है, पीरियड विल बी टू, सो पीरियड विल बी पाई बाय टू, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड इस वन और इस टू से कोई फर्क नहीं पड़ना, इस टू से, तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड कितना होता है, और उसको किससे डिवाइड करना है, तो पीरियड विल बी पाई। समझ में आया कि सभी को, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई अपॉन रूट, सेकंड फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई अपॉन रूट, लेकिन दोनों का सम है। अब हमें इनका एलसीएम लेना है, तो ये डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस, यहाँ रूट टू है और यहाँ रूट थ्री, समझ में आया क्या, डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन, ऊपर तो ऊपर वाला सेम है लेकिन नीचे डिफरेंट टाइप्स के इरेशनल, डिफरेंट टाइप्स के इरेशनल हो तो वो फंक्शन पीरियोडिक, एलसीएम डिफाइन नहीं होता तो फंक्शन पीरियोडिक नहीं, एफएक्स इज अपीरियोडिक, समझ में आया, अपीरियोडिक मतलब नॉन पीरियोडिक। ठीक है, नोट कर लिया, यस सर, आप लोग बताएंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स बाई थ्री माइनस साइन फोर एक्स बाय फाइव, है ना, बताएंगे आप लोग करके,
कितना आ गया, दूसरे टू कैंसिल हो गया, थ्री पाई, टी टू कितना आ गया, फाइव पाई बाई टू, राइट। हाँ तो एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू, थ्री पाई, इन दोनों का एलसीएम, थ्री पाई और फाइव पाई का, फिफ्टीन पाई और वन और टू का एचसीएफ, वन फिफ्टीन पाई आएगा। अब हम फिफ्टीन पाई के हाफ पे चेक कर लेना, तो पीरियड तो अपना आ गया 15 पाई, अगर उसके हाफ पे आ गया एफ एक्स तो फिर पीरियड 15 पाई बाई 2 हो जाए, अदरवाइज 15 पाई कॉस 2 बाई 3 एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस 15 पाई बाई 2 माइनस साइन 4 बाय 5 एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस 15 पाई बाई 2 cos 2 से 2 कैंसिल 3 5 5 पाई प्लस 2x बाय 3 5 3 जा 2 6 पाई माइनस 4x बाय 5 ठीक है। तो cos 5 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 5 पाई पाई थर्ड क्वाड्रेंट 4 पाई 5 पाई टू थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस हो, और ये नॉट इक्वल नॉट एफ एक्स, इक्वल नॉट एफ एक्स ये माइनस आई, देयरफॉर फाइनल आंसर पीरियड विल बी 15। काट में आया क्या, हो गया। यस सर, सिक्स्थ क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल ई टू द पावर कॉस टू द पावर 4 ix plus x minus greatest integer x plus sin square pi x, यह थ्री फंक्शंस है, थ्री फंक्शंस का सम है। हाँ, x minus greatest integer x fractional part x, right? इस ये वन वन है और ये ऊपर पीरियोडिक फंक्शन, मतलब फॉर्म कंपोजिशन है ये। हाँ, सबसे पहले इसका पीरियड की बात करते हैं, कॉस की पावर 4, इवन है पावर तो पाई, और फिर किसका मल्टीपल है, एक्स का मल्टीपल पाई, तो ए वन वन, ए टू वन होता ही है, ए थ्री साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड 2 पाई, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड पाई और एक्स का मल्टीपल T1, T2, T3, LCM of T1, T2, T3, 1, 1, 1, LCM. तो period will be 1. Check कर सकते हो, अगर 1 by 2 पर check करोगे, half पर इस पर. Half पर तो ये cos sin में change हो जाए, है ना?
कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, इसलिए पीरियड क्या हो गया, एफ एक्स नहीं मिल पाएगा, एफ एक्स प्लस वन बाई टू एफ एक्स नहीं आएगा। नोट कर लें, फिर करते हैं एक दो क्वेश्चन और। हो गया कंप्लीट? यस सर। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ऑफ साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल साइन ऑफ साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल कॉस ऑफ साइन एक्स। अब ये वही एलसीएम वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि आउटर फंक्शन भी पीरियोडिक है, इनर फंक्शन भी पीरियोडिक, तो टी वन भी टू पाई हो गया इनर, और आउटर फंक्शन भी पीरियोडिक, तो एलसीएम भी क्या है, टू पाई और टू पाई का, टू पाई, तो पीरियड क्या हो गया बेटा, देखना पड़ेगा ऑफ टू पाई कॉमन। पर मैंने बोला एलसीएम वाली प्रॉपर्टी जब भी अप्लाई करें उसके हाफ पर जरूर चेक करें, एफ एक्स प्लस पाई टू पाई का हाफ साइन ऑफ साइन एक्स प्लस पाई साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आई, सो इट इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स के इक्वल नहीं है, तो पीरियड क्या हो गया। अगर एफ एक्स आ जाता तो पीरियड टू पाई ना होके क्या होता, नेक्स्ट आप करेंगे एट पाई सर, कितना पाई पाई आएगा, पहले तो एलसीएम टू पाई आएगा, लेकिन जब आप एफ एक्स प्लस टू पाई एफ एक्स प्लस पाई निकालोगे तो साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, और कॉस माइनस साइन एक्स कॉस एक्स ही होगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, फिर पाई बाई टू पे चेक करोगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स आएगा, एफ एक्स के इक्वल नहीं होगा, तो फिर पीरियड फाइनली क्या बोलना पड़ेगा, पाई। ये समझ में आया क्या, एट एट सब कुछ समझ में आ गया, पीरियड पाई। fx equal to cos 3x upon sin 7x, cos 3x upon sin 7x, हाँ 8 सबसे हो जाएगा, 8 period will be pi, नाइंथ करें। हाँ नाइंथ देखेंगे, जो न्यूमरेटर में फंक्शन है वो पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई अपॉन 3, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 2 पाई अपॉन 7, एलसीएम
2π 2π का एलसीएम 2π और 3 और 7 का एचसीएम। अब चेक जरूर करना है, तो एफ एक्स प्लस फाइव के हाफ पर चेक करेंगे तो कॉस 3x के प्लेस पर x प्लस फाइव अपॉन साइन 7x प्लस फाइव। ठीक है, तो कॉस 3π प्लस 3x साइन 7π प्लस 7x। हाँ, कॉस 3π प्लस x थर्ड क्वाड्रेंट में है, देखो पाई 2π 3π प्लस माइनस कॉस 3x साइन भी माइनस साइन 7x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कॉस 3x अपॉन साइन 7x तो इक्वल टू fx आ गया। मतलब पीरियड 2π नहीं होगा, क्या होगा? अब ये चेक करोगे आपकी पाई क्यों होगा, fx प्लस पाई बाई 2 जब निकालने जाओगे तो ऊपर कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो कि वो fx के इक्वल नहीं होगा। तो फाइनल आंसर पीरियड विल बी पाई। तो ये लास्ट स्टेप में क्या किया आपने? लास्ट स्टेप में कहां पर, यहां पे इसके बाद इसके नीचे, हाँ यही, इसके हाफ पे फिर निकाला भाई, कंफर्म करना पड़ा भाई, पहले पीरियड 2 पाई निकाला था पर उससे उसके हाफ पे मिल गया fx plus pi equal to fx मिल गया, तो पीरियड 2 पाई नहीं होगा, क्या होगा पाई। फिर ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि पाई से छोटा भी तो पॉसिबल नहीं है कहीं पीरियड, इसलिए हमने fx plus pi by 2 पे निकाला, तो यहां रखूंगा x के प्लेस पर x plus pi by 2, तो क्या हो जाएगा cos 3 pi by 2 plus 3x, तो cos 3 pi by 2 90 का odd multiple sin में change हो जाएगा और ये sin cos में change हो जाएगा, तो interchange हो गया, तो fx plus pi by 2 fx नहीं बोल पाओगे। Yes sir। इसलिए period फिर finally क्या बोलेंगे, right? समझ में आया क्या? हो गया कंप्लीट। यस सर। होमोजीनियस फंक्शन लिख लें, अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू एनी सेट, any set of variables then each of its term are of same degree, each of its term
इज ऑफ सेम डिग्री विद रिस्पेक्ट टू दूज वेरिएबल्स. With respect to those variables, है ना जी? बात समझ में आई क्या बोला? A function is said to be homogeneous with respect to any set of variables. भाई वो two variable में चल रहा है question, three variable. When each of its term is of same degree, हर term same degree की होना चाहिए. जैसे example, f x y, 3x square minus 5x y plus 7 y. ये भी टू डिग्री का टर्म है. टू डिग्री, दोनों की डिग्री वन वन एड होकर टू डिग्री टर्म होगी. सो दिस फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू, है ना? समझ में आया? इसको हम सिंबॉलिकली भी देख सकते हैं. अ फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस if f हम tx plus ty निकाल, x को रिप्लेस कर दें tx से और y को रिप्लेस कर दें ty से, तो t बाहर आ जाए और रिमेनिंग fxy. अगर ऐसा होता है then fxy, लिखी दिया हमने fxy is said to be homogeneous and fxy is called homogeneous function of degree n. Function of degree, है ना? जैसे इसी एग्जांपल में हम रखकर देखें, f t x comma t, x की जगह t x, x के प्लेस पर t x, y के प्लेस पर t y. कितना हो जाएगा? t स्क्वायर कॉमन, 3x स्क्वायर माइनस 5xy t स्क्वायर कॉमन बन गया. देखो t स्क्वायर fxy, ठीक है? तो होमोजीनियस आ गया. और कैसे, किस डिग्री, किस डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा? समझ में आया क्या होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन? है ना? एफ एक्स कॉमा वाई दिया हो तो आप एफ टी एक्स कॉमा टी वाई देखो और वो टी टू दी पावर एन एफ एक्स वाई के फॉर्म में आ जाए, देन फंक्शन इज सीरियल, फंक्शन इज होमोजीनियस. कंप्लीट हो गया? यस सर. सभी का हो गया? नहीं सर. लिख लो. ओके, हम नेक्स्ट लिख रहे हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन. Implicit and explicit. Implicit and explicit function. हाँ, देखेंगे. If a function is expressed, if a function is expressed, ठीक है, if a function is expressed as an equation. As
an equation in x and y if a function is expressed as an equation in x and y not solved for y. एक्स अगर एक फंक्शन को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें और जो उस इक्वेशन में वो वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स के फॉर्म में सॉल्व नहीं किया गया, नॉट सॉल्व फॉर वाई, देन इट इज कॉल्ड इंप्लिसिट, देन इट इज कॉल्ड इंप्लिसिट. वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल के अलग नहीं एक्सप्रेस की गई हो, नहीं एक्सप्रेस्ड हो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, देन इट इज कॉल्ड इंप्लिसिट. इफ y इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x, देन एज अ फंक्शन ऑफ x, देन इट इज कॉल्ड जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, इम्प्लीसिट फंक्शन. क्यों होगा इम्प्लीसिट के x और y में इक्वेशन है, x की वैल्यू y की टर्म में नहीं निकाली. और भी एग्जांपल हो, y क्यूब x प्लस साइन एक्स वाई, x और y में एक ऐसा इक्वेशन जिसमें y और y की वैल्यू नॉट सॉल्व फॉर y, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस ना हो, इम्प्लीसिट फंक्शन. ये एक्सप्लिसिट हो गया, y की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ x लिख दूं, एक्सप्लिसिट फंक्शन. y की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ x निकाल के रखी है, एज अ फंक्शन ऑफ x निकाल के, ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट समझ में आ गया. बट सम इम्प्लिसिट फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सप्लिसिट, जैसे यहां से मैं y कुछ नहीं को कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन को एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी को नहीं कर सकते. जैसे ये फर्स्ट, यहां से हमने y क्यूब निकाला 1 माइनस x क्यूब, तो y क्यूब हो गया 1 माइनस x क्यूब इक्वल टू, तो इस इम्प्लिसिट फंक्शन को हमने एज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन एक्सप्रेस कर, पर ये थर्ड वाले को नहीं कर पाएंगे. देखो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकली है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, सम इम्प्लिसिट फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड, some implicit functions can be converted
हो गया क्या? यस सर। समझ में आया क्या इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट? यस सर। ठीक है, कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन सेंड कर दिया था मैंने कि नहीं किया था? तेरह तारीख का किया था शायद, किया था मेरे के, तो आप शायद बोल रहे हैं मतलब आपने देखा नहीं सर, तो क्वेश्चन हो गए थे इसलिए नहीं देखा। क्या क्या आयुषी आप क्या बोल रहे हो सर? वो पहले का किया था शायद। नहीं बेटा पहले का नहीं किया था मैं, पहले का और करेंट का ऐड करके ही सेंड करता हूँ। यस सर कर दिया है ना, उसको स्क्रॉल करोगे तो आगे कल का भी मिलेगा सबसे लास्ट में। बिल्कुल सही बोल है ना, जैसे जो भी फाइल सेंड की है उसमें सबसे लास्ट में कल का असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर कल के असाइनमेंट के सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है। अब हमारा फंक्शन में बेटा एक ही आर्टिकल बचा है, वो है फंक्शनल इक्वेशन, है ना। कल हम कंप्लीट करेंगे फंक्शनल इक्वेशन, वो लास्ट टॉपिक है सर। लास्ट टॉपिक फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन। ओके सर। ठीक है, तो अभी कल के असाइनमेंट में कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, अभी अपने पास 5 मिनट्स का टाइम है, अपन उसमें कर सकते हैं कंप्लीट। सर एक्सरसाइज 1 का 28, एक्सरसाइज 1 का 28, एक्सरसाइज 1 का 28, fx = x³ - 1 ये वाला। यस सर। fx = x³ - 1 और डोमेन ऑफ f गिवन है 0, 1, 2, 3, तो हमें क्या निकालना है बेटा? डोमेन ऑफ f इनवर्स, क्या निकालना है? डोमेन ऑफ f। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, एक चीज प्रॉपर्टी में ही बताई है कि अगर हम कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स देखें तो जो f का डोमेन होता है वो f इनवर्स का रेंज होता है, और जो f इनवर्स का डोमेन होता है वो f का रेंज होता है। मालूम है क्या ये चीज? याद रखना, डोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स, और डोमेन ऑफ f इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ f। ये समझ में आया छोटे क्या लिखा मैंने? सबको मालूम है क्या ये चीज कि जब हम किसी फंक्शन और उसका इनवर्स निकालते हैं तो जो f का डोमेन होता है वो f इनवर्स की रेंज बन जाता है, जो f इनवर्स का डोमेन होता है वो f की रेंज बन जाता है। तो अभी हमें डोमेन हो जाएगा, तो f की रेंज निकाल लो। क्या निकाल लो? f की। यस सर। रेंज, रेंज ऑफ f कैसे निकालोगे? ये पॉइंट रखते जाओ, जीरो रखा है इसमें, जीरो का क्यूब 0 - 1 - 1, 1 का क्यूब 1 - 1 0, 2 क्यूब 8 - 1 7 और 3 क्यूब 27 - 1 20। ये क्या आ गया बेटा? रेंज ऑफ f, और यही क्या होगा? डोमेन ऑफ f इनवर्स। लिख दो आगे -1 0 7 20, ऑप्शन मैच कर। यस सर। -1 0 7 20, ऑप्शन थर्ड। समझ में आया क्या बेटा कैसे किया? यस सर।